सो डू यू हैव अ सिम्टम ऑफ अ किडनी स्टोन? क्या आपको किडनी स्टोन है? क्या आपको किडनी स्टोन का कोई सिम्टम है? हाउ डू यू नो इट? कैसे पता करें? कैसे होगा? सी कुछ किडनी स्टोन्स बहुत छोटे होते हैं और कुछ किडनी स्टोन्स थोड़े बड़े होते हैं, और बड़े बड़े साइज में बड़े बड़े पत्थर के जितने भी हो सकते हैं और छोटे छोटे कंकर जितने भी हो सकते हैं और गोल्फ बॉल जितने भी हो सकते हैं, और बहुत सिंपल है, राइट? जितना बड़ा स्टोन होगा उतना बड़ा उतना ज़्यादा सिम्टम होगा, ये बेसिक सिम्टम रूल है। लेकिन सिम्टम क्या होगा? आपको दर्द हो सकता है, आपको दर्द हो सकता है आइदर साइड ऑफ लोअर बैक, लोअर बैक के साइड में, पीछे साइड में दर्द होगा, दोनों में से एक जगह जहां पर भी स्टोन है। क्यों दर्द होगा? क्योंकि किडनी स्टोन जब होता है तो किडनीज में यूरिन फ्लो आगे अटक जाता है, आगे अगर फ्लो नहीं जा रहा है तो बैक प्रेशर से किडनीज में सूजन आती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं इसको। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब किडनी में सूजन, और किडनी में सूजन आती है तो किडनी के ऊपर का कैप्सूल स्ट्रेच होता है, इस कैप्सूल के स्ट्रेच होने से आपको पेन होता है, बिकॉज किडनी के अंदर कोई सेंसेशन नहीं होती है, लेकिन कैप्सूल में होती है, तो पेन इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग ऑफ द कैप्सूल्स। तो कैप्सूल स्ट्रेच होने से आपको होता है पेन, और सिवियर पेन होता है, और पेन बहुत वेग भी हो, एक अजीब सा पेन थोड़ा सा पेट की जितना भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है आगे की तरफ, जो अजीब सा होगा और वो जाएगा नहीं काफ़ी हद तक, ये हो सकता है। पत्थरी जो होती है, जो पत्थर जो होता है, किडनी स्टोन जो होता है, वो आपके पेशाब के रास्ते को रगड़ के जा सकता है, चीरा मार के जा सकता है, तो खून में ब्लड आ सकता है, राइट? नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसी फीलिंग आ सकती है, आपको फीवर, बुखार या चिल्स भी आ सकते हैं, राइट? ये एक्चुअल वॉमिटिंग भी आ सकती है, और पेशाब में पस भी आ सकता है, पेशाब में स्मेल भी आ सकता है, किडनी में भी पस जमा हो सकता है, इन्फेक्शन भर सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स होंगे। अगर आपको किडनी में पेन हो रहा है, दैट मीन्स आगे का रास्ता बंद हुआ है, या किडनी के आगे का रास्ता इरिटेट हुआ है। वेरी सिंपल, राइट? बिना उसके किडनी में दर्द होगा नहीं। उसके अलावा अगर आपको पेन ज़्यादा होते जा रहा है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाके इंजेक्शन भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज ऐसा पेन होता है जिसमें इंसान लिटरली बेड से कूदता है, इतना पेन होता है किडनी स्टोन्स में। रीनल कोलिक इज वेरी पेनफुल। और लेकिन अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर केसेस में जो स्टोन्स होते हैं बिना किसी दर्द के, बिना किसी पेन के पास आउट हो जाते हैं, ज़्यादातर केसेस में। पेन रिलीवर्स आपको बहुत छोटे छोटे स्टोन्स जो होते हैं, थोड़ा बहुत जो अटक रहे होते हैं, उसी में काम आते हैं, और ज़्यादातर केसेस में अगर स्टोन अटक गया और आपको एक्चुअल हाइड्रोनेफ्रोसिस और पेन हो रहा है तो फिर सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और इंजेक्टेबल पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ सकती है, राइट? सर्जरी में स्टोन को, पथरी को तोड़ के लेज़र के थ्रू लिथोट्रिप्सी करके निकाला जा सकता है, और एक्चुअल किडनी को अगर पस लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो उसको खोल के भी निकाला जा सकता है। सो दैट इज हाउ इट इज डन अबाउट किडनी स्टोन्स, राइट? एक सेकेंड,